नमस्कार, मैं मोहम्मद गुलजार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड मीडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रिंसिपल डॉक्टर नज़ीरुद्दीन साहब के स्थानीय घर पर, और यहाँ पर सूचना मिली है कि पूर्व विधायक श्री संजय प्रसाद यादव जी आए हुए हैं और उनके साथ में उनकी पत्नी कल्पना देवी जो पूर्व चेयरमैन है। हम जानने की उनसे कोशिश करेंगे जो उनसे मिलजुल हो रही है, क्या उनके घर वाले के लिए, उनके बच्चों के लिए वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं, जो उनके भविष्य में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके घर का जो मुखिया थे, जिसे हम मुखिया कह सकते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब उनके घर के गार्जियन कौन संभालेंगे, कौन उनकी मदद करेंगे। यहाँ का स्थानीय नेता भी काफ़ी लोग हैं जो बहुत प्रभावित होते हैं इन सब चीज़ों में, बहुत मदद करते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इनके घर का जिम्मा जो अब कौन लेंगे। हाँ, मैं जैसे कह रहा था, पूर्व विधायक श्री संजय प्रसाद यादव जी आए हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। हाँ, यहाँ पे ले लेते हैं सर, एक मिनट। सर जी, जो हादसा हो गया है, अब होना था जो तो हो ही गया है, इनके फैमिली के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, जो इनके बच्चे तीन तीन हैं, उनके पढ़ाई लिखाई भविष्य, इनके घर का जो मुख्य गार्जियन होते हैं, मुखिया जिसे कहते हैं, वो गुजर चुके हैं, अब इनके घर का गार्जियन कौन बनने जा रहे हैं। देखिए, कल भी आप मेरा बयान अगर देखे होंगे या सार्वजनिक जो बात हमने बताया सरदर्जी जी के समय में, ये हम लोग के परिवार के एक पार्ट है। कोई भी परिवार के एक पार्ट जो होता है वो परिवार की तरह होता है, और इनके हर दुख सुख में हम लोग तैयार हैं, सारे चीज़ों, पढ़ाई लिखाई से लेके भोजन तक का सब चीज़ में हम लोग साथ रहेंगे और हर तरह से मदद करेंगे। और एक चीज़ जानना चाहते हैं सर, यहाँ की पूरी जनता जानना चाहती है कि जो घटना हो गई है उसकी कितने लोग इसमें शामिल है, कितने गिरफ्तार हुए हैं, इसके बारे में कुछ अपडेट दे सकते हैं आप। देखिए, ये प्रशासन की काम है, हमारा काम नहीं। अगर घटना के समय हम वहाँ रहते, घटना को देखते, तभी ना हम बता सकते कि कौन कौन लोग सम्मिलित हैं इसमें, कौन कौन लोग साजिश करता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस के अनुसंधान में जिस तरह से गुड्डा के पुलिस कप्तान लगे हुए हैं, SDPO साहब लगे हुए, चूँकि घटना के जस्ट 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 3 मिनट, हमने तुरंत SDPO को किया और SDPO तुरंत क्विक बसंतराया आया, कुरियाना पुल पे आया। तो प्रशासन को मोटा मोटी सारे चीज़ क्लियर हो चुका है, सारे चीज़ों का पता चल गया है, और दोषी जो भी लोग हैं ये बचेगा नहीं, चाहे वो छुपे रुस्तम हो या सार्वजनिक हो, जो पीछे से भी बाइक किया होगा और उसकाया होगा या उसको शरण दिया होगा इस काम को अंजाम देने के लिए, वो भी बचने नहीं जाएगा। ये हमारे श्री संजय प्रसाद यादव जी थे, जो पूर्व विधायक हैं और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता भी हैं, हर सुख दुख में आते जाते रहते हैं। एक बच्चा भी फ़ोन कर दे क्रिकेट टूर्नामेंट में तो वहाँ पर हाजिर होते हैं। जब से ये घटना घटी है तब से लगातार इनके घर पे आते हैं, मिलते जुलते हैं, इनके दुख में शामिल हैं, और इन्होंने बताया कि आगे हम लोग क्या करेंगे, इनके घर वालों के साथ में हमेशा रहेंगे, और यहाँ का स्थानीय नेता भी इनके घर पर आते हैं और साथ देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। जय हिंद।